हेलो दोस्तों, मैं राम शोमतारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायजर एट के। आज की वीडियो में फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 स्मार्टफोन जिनमें आप पबजी गेम को मीडियम और हाई सेटिंग पे भी खेल सकते हैं अंडर 11 के। और यहां पे हम साथ ही साथ देखेंगे उन स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन। तो यदि आप इन स्मार्टफोन के बारे में जानना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्मार्टफोन है वो है टेनोर जी, 4GB वाला। यहाँ पे फ्रेंड हमने टेनोर जी को इसलिए सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड हमें प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे हमें जीपीयू भी बहुत ही अच्छा देखने मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में यहाँ पे हमें 2.2 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 626 का ऑक्टोकोर प्रोसेसर देखने मिल जाता है। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम जीपीयू की, तो यहाँ पे हमें एड्रोनो का 506 का जीपीयू भी देखने मिल जाता है। फ्रेंड बात करें यहां पे हम टेनोर जी की, तो मैं टेनोर जी में ही पबजी गेम खेलता हूं। यहां पे फ्रेंड मीडियम सेटिंग पे स्मूथ पे बहुत ही अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। साथ ही साथ बात करें फ्रेंड यहां पे हम इसके एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन की, तो यहां पे फ्रेंड हमें 13 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा देखने मिल जाता है और यहां पे फ्रेंड हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट एलईडी फ्लैश के साथ कैमरा देखने मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहां पे हम इसके इंटरनल सपोर्टेड की, तो यहां पे फ्रेंड हमें 4GB की रैम और 64GB की यहां पे हमें इंटरनल देखने मिल जाती है। और यहां पे बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो यहां पे फ्रेंड हमें 4000 MHz की बैटरी देखने मिल जाती है और प्राइस में यहां पे फ्रेंड हमें 9999 रुपए का देखने मिल जाता है। और यदि फ्रेंड आप इस स्मार्टफोन को 6999 रुपए में बाय करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे आप इसको 6999 रुपए में पाए कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने अगले स्मार्टफोन की ओर। जो हमारे यहाँ पे अगला स्मार्टफोन है वो है Realme 1। फ्रेंड बात करें यहाँ पे हम Realme की, तो Realme में यहाँ पे फ्रेंड हमें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने मिल रहा है। यहाँ पे हमें 2.0 GHz का MediaTek का Helion P60 AI प्रोसेसर देखने मिल रहा है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम प्रोसेसर कोर की, तो यहाँ पे हमें 8 प्रोसेसर कोर देखने मिल जाता है। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसके GPU की, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें Helion के P60 में बहुत ही अच्छा जीपीयू देखने मिल जाता है। यदि हम Helion के P60 जीपीयू को कंपेयर करें तो यहां पे फ्रेंड Adreno के 506 से हम कंपेयर कर सकते हैं। बात करें फ्रेंड यहां पे हम इसके रैम की, तो यहां पे फ्रेंड हमें 4GB 64GB इंटरनल के साथ देखने मिल जाता है। यहां पे फ्रेंड इस स्मार्टफोन के साथ हमें यहां पे 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का यहां पे हमें फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहां पे हम इसके साइज की, तो यह 6 इंच का मोबाइल है। और बात करें फ्रेंड यहां पे हम बैटरी की, तो बैटरी में यहाँ पे हमें 3410 MHz की बैटरी भी देखने मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो यह फ्रेंड हमें 10990 रुपए में मिल जाता है। तो यदि फ्रेंड आप इन सभी स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके इन सभी स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा अगला स्मार्टफोन है वो है Realme का 2। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। यहाँ पे फ्रेंड Realme के 2 में हमें नोच भी देखने मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड बात कर लेते हैं यहाँ पे हम इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे प्रोसेसर में हमें यहाँ पे क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टाकोर प्रोसेसर 1.8 GHz वाला देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड जीपीयू की बात करें, तो जीपीयू यहाँ पे हमें Adreno को 506 जीपीयू भी देखने मिल जाता है। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं हम इसके हाइलाइट्स। 4GB रैम, 64GB इंटरनल यहाँ पे देखने मिल जाती है जिसको हम एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 256GB तक। 6.2 इंचेस का यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने मिल जाता है। डुअल रियर कैमरा देखने मिल जाते हैं 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, और यहाँ पे हमें फ्रंट कैमरा हमें 8 मेगापिक्सल का देखने मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम बैटरी की, तो हमें बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है। 4230 MHz की यहाँ पे हमें बैटरी बैकअप देखने मिल जाता है। नोच वाला डिस्प्ले भी देखने मिल जाता है, साथ ही साथ फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट का फीचर्स भी यहाँ पे देखने मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो 10990 रुपए का है और पबजी गेम प्ले में आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड में बहुत ही अच्छा प्रोसेसर भी देखने मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे हमें जीपीयू भी बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने अगले स्मार्टफोन की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा अगला स्मार्टफोन है वो है रेडमी का 6 प्रो। चलिए फ्रेंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर में यहाँ पे हमें 2.0 GHz का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625
ऑक्टा को प्रोसेसर देखने मिल जाता है, साथ ही साथ जीपीयू हमें सभी स्मार्टफोन में अभी सेम ही दिखने मिल रहा है, एड्रोनो को 506। यहाँ पर फ्रेंड हम इसके रैम की बात करें तो ये 3 GB रैम 32 GB इंटरनल के साथ दिखने मिल जाता है, इसको हम एक्सपेंडेबल कर सकते हैं 256 GB तक। बैटरी बैकअप यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा दिखने मिल रहा है, 4000 mAh की बैटरी देखने मिल रही है। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम कैमरा की, तो 12 MP प्लस 5 MP की रियर कैमरा देखने मिल जाता है, साथ ही साथ 5 MP का हमें यहाँ पे फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 5.8 इंचेस का यहाँ पे हमें डिस्प्ले का साइज देखने मिल जाता है। डिस्प्ले के साथ यहाँ पे फ्रेंड हमें इसमें भी हमें नोच का फीचर देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड पबजी में आपको इस स्मार्टफोन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मीडियम सेटिंग और हाइट सेटिंग पे स्मूथ पे गेमिंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अपने अगले स्मार्टफोन की ओर। यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा अगला स्मार्टफोन है वो है लेनोवो का K8 Note। चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर में यहाँ पे हमें 2.3 GHz का हिलियोन का X23 डेका कोर प्रोसेसर देखने मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम हिलियोन के X23 की, तो हम X23 को कंपेयर कर सकते हैं स्नैपड्रैगन 625 के साथ। यहाँ दोनों ही प्रोसेसर में हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेंड जीपीयू की बात करें तो यहाँ पे हमें हिलियोन के X23 पे आर्म माली T880MP4 बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें जीपीयू भी देखने मिल रहा है। कंपेयर करें यदि हम यहाँ पे हम जीपीयू की, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें एड्रोनो के 506 से भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं हम इसके एक्सेस स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 5.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने मिल जाता है, यहां पे हमें नोच का फीचर देखने नहीं मिलता है। बात करें यहां पे हम रैम की, तो 4 GB की रैम 64 GB की यहां पे हमें इंटरनल देखने मिल जाती है, 128 GB तक हम इसको एक्सपेंडेबल कर सकते हैं, डुअल 4G सिम मिल जाती है, डुअल स्टैंडबाय पे। यहां पे हमें बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है, 4000 mAh की यहां पे हमें बैटरी देखने मिल रही है। बात करें फिर यहां पे हम कैमरा की, तो 13 MP प्लस 5 MP का डुअल रियर कैमरा देखने मिल जाता है, और यहां पे फ्रेंड हमें 13 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखने मिल जाता है। तो यहां पे फ्रेंड हमें इस स्मार्टफोन में भी बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाता है। यहां पे फ्रेंड इस मोबाइल में भी आपको पबजी गेम प्ले पे हाई और मीडियम सेटिंग पे स्मूथ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं हम अपने अगले स्मार्टफोन की ओर। तो यहां पे फ्रेंड जो हमारा अगला स्मार्टफोन है वो रेडमी का नोट 4। यहां पे फ्रेंड हमें प्रोसेसर की बात करें तो यहां पे हमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर देखने मिल जाता है 2.0 GHz का। बात करें फ्रेंड यहां पे हम जीपीयू की, तो जीपीयू में भी यहां पे हमें फ्रेंड एड्रोनो का 506 GPU देखने मिल रहा है। चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं हम इसके एक्सेस स्पेसिफिकेशन की। तो 4 GB की रैम 64 GB इंटरनल 128 GB तक हम इसको स्पेंडवेल कर सकते हैं। 5.5 इंचेस के यहाँ पे हमें फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है। नोच का फीचर यहाँ पे देखने नहीं मिलता है क्योंकि ये बहुत ही पुराना स्मार्टफोन है। यहाँ पे फ्रेंड हमें 13 MP का रियर कैमरा और 5 MP के यहाँ पे हमें फ्रंट कैमरा देखने मिल जाता है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसकी बैटरी की, तो 4100 mAh की यहाँ पे हमें बैटरी देखने मिल जाती है IPS डिस्प्ले के साथ। यहाँ पे फ्रेंड हमें बहुत ही अच्छे फीचर यहाँ पे देखने मिल रहा है और आप इस स्मार्टफोन में भी बहुत ही आराम से पबजी गेम को प्ले कर सकते हैं। यदि फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, और या फिर आप गेमिंग एंड गैजेट पर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।